अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चैनल उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बताएं भी ठीक है आपकी। माशाल्लाह आज लास्ट फ्राइडे था रमज़ान का, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और ऑब्वियसली लास्ट जुम्मा मुबारक। तो वेदर यहाँ की जैसे आपको पता है कि वीडियो स्टार्ट वेदर से होती है, और हमारे लिए ये बड़ी बात होती है कि वेदर जो है ना अच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पे 8 महीने 9 महीने की सर्दी रहती है, और चंद ही टाइम ऐसा होता है जो 3-4 महीने जो इंजॉयमेंट वेदर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आज मैंने सिंपल कपड़े पहने हुए, हुडी नहीं पहनी हुई। इसका मतलब ये है कि आज बाहर कड़क की धूप निकली हुई है पूरे 4 दिन के बाद। ठीक है, तो अभी बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई है, तो मैंने सोचा यार आज व्लॉग बनाया जाए और बताया जाए कि क्या प्रोग्रेस है, क्या काम चल रहा है आजकल। तो आपको तो पता ही है सर कि मैंने व्लॉगिंग बंद कर दिया, अब ये व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको एजुकेट कर सकूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आजकल हर बंदा ऑनलाइन पे, ईबे पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिप मार्केट पे सारा काम कर रहा है। तो ये आप भी कर सकते हैं, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने अपने ज़िंदगी के तकरीबन 6 साल जो है ऐसे गुजार दिए हैं जो मुझे पता ही था मैं क्या करूँ। जॉब पे जाता, मजदूरी करता था। ओ माय गॉड, आप तो अल्लाह माफ़ करे, अमेरिका में जो लोग रहते हैं ना उनको पता होगा कि मजदूरी यहाँ पे कितनी हार्ड होती है, किसी की गुलामी कितनी हार्ड होती है, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। वैसे हमारे नबी पास असलम ने फरमाया कि तजारत करो, खुद पे काम करो, खुद पे कारोबार करो, उसमें बरकत होती है। तो 100% है, जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं ना उन वो नज़र आता है आपको। तो मैं इंशाल्लाह बाद में दिखाता रहूँगा आस्ते आस्ते आस्ते, अभी अचानक दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे यार नहीं अब भी मुझे काम शुरू करके दो। आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आपसे मैं वो शेयर भी करूंगा जो पास्ट में जिंदगी में हो चुका है, और जो मैंने जो तरीका मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, वो आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये वर्ड आगे पीछे हो जाता है, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना क्योंकि मैं ये प्लान तो किया नहीं होता। ठीक है, तो मैं जो मुँह में आ रहा है वो बोले जा रहा हूँ, वो जो बोल रहे हैं वो सच है। और दूसरी बात यह है कि हर बंदा ऑनलाइन आ रहा है क्यों, उसमें बेनिफिट है सर, उसमें 100% बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपको पता है कि आपने 2-3 हज़ार लिस्टिंग लगाई हुई है ईबे पे या अमेज़ॉन पे या किसी भी मार्केट पे लगाई हुई है, और आप को टेंशन कोई नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन ये होगा कि मैंने सपोज के $20,000 लगाया और मुझे $20,000 के अंदर $40,000 निकालना है। ठीक है ना, तो ये मुमकिन है, 101 मुमकिन है। अगर आपको नहीं यकीन तो सर मैंने ये सेल आपके साथ शेयर की है, आप कैलकुलेट करें और हर प्रॉफिट उसमें सेल में प्रॉफिट कितना निकला ना ये आपके सामने शेयर होगा। अभी आपके सामने आएगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप बैंड भी क्या है। ठीक है, $250 का भी क्या है, $200 प्रॉफिट आई उसमें। ठीक है, उसके बाद गिटार भी क्या है, उसमें भी प्रॉफिट आई है। ये 4 गिटार बिके हैं इसमें, एक बड़ी जो मेरी प्रॉफिटेबल सेल हुई थी ना वो उसमें बैंड में हुई है, वो $250 का बिका है और $200 उसमें प्रॉफिट आई है। सर 200 प्रॉफिट आना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये एक नहीं है, आस्ते आस्ते आती रहती हैं, मतलब कि कभी थोड़ी होगी कभी ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट आती है। तो ये आप भी करें, क्योंकि मैं तो जैसे कि आपको बता दूँ हर रोज़ मेरा ये काम होता है। अब तो रोजे चल रहे हैं तो इतना वो दिल ही नहीं करता वो काम करने को ना, क्योंकि पीछे 3 साल से कर रहा हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चल चुका है। मेरा मानना ये है कि सर आपने जो काम करना है ना दिल से करो, दिल से काम करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप बोलोगे यार आज नहीं कल नहीं फिर कभी, तो फिर वो कभी कभी नहीं आएगा। जो करना है अभी करो और इसी टाइम करो, इंशाल्लाह कामयाब होगे। मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाब हुआ है जो प्लान मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद हर बंदे की अपनी सोच है यार हम ये काम क्यों करें। सर आपको ये काम नहीं करना तो इट्स ओके, आप दूसरा काम करें, लेकिन आजकल मार्केट आजकल लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, आजकल हर बंदा घर बैठ के चिल मार के लैपटॉप खोल के और सर्च कर रहा है। वो सारे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग वो भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलता है, इंसान को याद भी रहता है। अभी हम शॉप पे जाएंगे, आज देखते हैं हमें क्या मिलता है, और आपसे शेयर भी करते हैं क्या क्या हमें मिला है।
क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं पिछली वीडियो में। वो जो वीडियो नहीं देखी इससे पहले मैं वीडियो पोस्ट की, वो वीडियो देखें आप जाके, कि कैसे हम चीज़ें ढूंढते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हर आइटम के पीछे बारकोड होता है, बारकोड को आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ईबे आपको खुद ब खुद बता देता है, ठीक है, कि ये सेल हो सकती है कि नहीं, अगर सेल हो सकती है कितने तक सेल हो सकती है। उसकी में उसके अंदर ऑप्शन भी होता है कि ये देखना होता है कि कितने लोगों ने ये परचेज की हुई है, कितने लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया हुआ है। तो ये एक सीखने वाली बात है, जिसको ये सीखना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसके हिसाब से मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप देख सकें। और एक बार ईबे का अकाउंट बनाने की इतना मुश्किल नहीं है सर, ये हर कंट्री में अवेलेबल है, हर कंट्री में आप खोल सकते हैं और हर कंट्री में आप अपना सामान भी भेज सकते हैं। ये यूएसए में होना ज़रूरी है, कोई यूएसए में होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी कंट्री में एक्सेस कर सकते हैं उसको और बैठ के अपना सामान सेल कर सकते हैं। आज हर कोई यही कर रहा है, चाहे वो घर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्जिकल का प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो जाए, कपड़े सेल कर सकते हैं, घड़ियां सेल कर सकते हैं, क्लॉथ सेल कर सकते हैं, कुछ भी। ईबे तो सारा ऐसी चीज़ है कि आप बस, ठीक है ना, समझ गए बात ना, हर चीज़ सेल हो सकती है। यू कैन सेल एनी सिंगल थिंग ऑन ईबे, ठीक है ना, कुछ भी। तो अभी हम लोग चलते हैं शॉप पे, बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई है, तो देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होती है, वीडियो के बाद मैं फिर बात नहीं करता, ठीक है। उसके बाद वीडियो बंद होती है तो दैट्स इट, ख़त्म हो जाती है व्लॉग। तो अब देखते हैं कि आज हमें इंशाल्लाह क्या मिलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो देखिए आप कि कैसे मैं चीज़ों को ढूंढता हूँ और सेल करता हूँ मैं। तो अभी बारिश रुकी है क्योंकि 2 दिन से बारिश, जैसे मतलब मैंने बोला 2 दिन से बारिश पड़ रही है और अभी बारिश रुकी है फिर से। तो आज हम आए गुडविल, गुडविल में देखते हैं क्या क्या मिलते हैं अभी इंशाल्लाह। कल 2 चीज़ें मिली थी हमें, आज देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भाई बात सिंपल सी है, अगर आपको $50 भी मिल रही है ना, $50 $100 भी मिल गया प्रॉफिट एक चीज़ से, तो नॉट बैड। ये समझो आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं आपने, आज नहीं कल नहीं, इसने ऊपर जाना है और सेल होना है और उसको उसने प्रॉफिट दे के जाना है, उस चीज़ जो चीज़ लगाई होगी आपने, तो ये आपने लगाना है और उसको चंद टाइम के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए आपने भूल जाना है इसको चीज़ को। फिर आपने उसको देखना है भाई, अगर वो सेल हो गई है तो मज़े ही मज़े, कहते मज़े ही मज़े। तो ये हिसाब होना है आपका, तो मोस्टली चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं मुझे, कभी नहीं भी मिलती, कभी मिल जाती हैं, जब नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ऐसे बहुत से बहुत कम दिन होता है ऐसा कि वो चीज़ नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो फिर मैं जाता हूँ बड़े मॉल, तो वहाँ से तो 100% कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो फिर सेल लग रही है अच्छी खासी, और ऐसी सेल लग रही है जो सेल कैसे थे, सेल लगाने का हक होता है ना, वैसी सेल लग रही है। ये मशीन देखें, ये मशीन मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये टूट गई है क्या, ये मशीन को देखो भाई, स्टीमर, नहीं ये नहीं यार, ये देखो, ये कभी कभी जो है ना चीज बदते जाती है अच्छी खासी। ये क्या है भाई, इसमें बैटरी टूटी है, ग्रीन वर्क, ये चीज कमाल की है, लेकिन इसकी बैटरी नहीं है, बैटरी होती है, इसको मैंने सेल कर दिया था,
अच्छी प्रॉफिट में। इसमें कुछ ये देखते हैं कुछ मिलता है। ये फिश पकड़ने के लिए ये बहुत मॉर्निंग हो चुकी है। और मैं बात कर रहा था गर्मियों में, गर्मियों में सेल इसलिए रखनी है क्योंकि गर्मी में लोग क्या करते हैं, जो घर का सामान होता है ना वो निकालते हैं पुराना सामान और यहाँ पे आके दे देते हैं। जैसे कि मैंने बोला हम जैसे लोग आके यहाँ से उठाते हैं और पैसे कमाते हैं, तो बुरी बात तो नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसके बदले आपको प्रॉफिट मिल रही है तो आप क्यों ना करो। मैंने वैसे स्टार्ट किया था, पर मैंने ऐसे घर से स्टार्ट किया था, मैंने घर की चीज़ें बेची थी पहले जो चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये इस ग्लव, इन गोल्फ के जो ग्लव है ना, इनमें भी चीज़ें मैंने पहले पैसे कमाए हैं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है इसमें, वरना भी ले जाता हूँ मैं घर पे। इसको भी मैंने बड़ा सेल किया हुआ है। बस सीधी सी बात है, जो जॉब है ना उससे बेहतर है, 100% बेहतर है ऐसे ये काम। जब यहाँ पे मैं अकेला नहीं आया, 3-4 लोग और भी आए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, सामान ढूंढ रहे हैं। ये मुझे पता चल जाता है, ये जो बंदा मेरे सामने आ रहा था ना, ये भी ये ढूंढ रहा है सामान कुछ मिल जाए। तो लगता है आज हाल ही हाथ घर जाना पड़ेगा, आज कुछ यहाँ से नहीं मिला। वो गोल्फ बैग मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पड़ा हुआ, उसको सर्च करता हूँ मैं तो देखता हूँ अगर वो मिल जाता तो। कभी कभी शूज़ भी अच्छे पैसे दे देते हैं, देखो नाइकी के शूज़ लगे हुए। देखा नया से नया शूज यहाँ पे मिल जाता आपको। ये है कितने का लगा हुआ है, $6 में। अच्छे से अच्छी क्वालिटी के शूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलो लगता अब घर जैसे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, एक चीज़ मुझे मिली है उसको मैंने देख लिया, अब उसको लेके जाता हूँ। वो मुझे पता है कि उसको उसने 100% सेल होना होता है, जैसे मैंने बोला मुझे पता होता है क्या चीज़ सेल हो सकती है क्या चीज़ नहीं सेल हो सकती। इसमें यार सिंदरियाँ देखो आप कितनी ज़बरदस्त लगी हुई हैं। चलो कोई नहीं, लेट्स गो, चलते हैं अब इंशाल्लाह, तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अब कल तो नहीं निकलूँगा, कल थोड़ा काम है इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। 3 चीज़ें मिली गई हैं,